मना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ में एक जियोनी का फ़ोन है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है जियोनी P5L। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक है और इसका FRP अनलॉक करेंगे आज हम बिना किसी बॉक्स के और सिर्फ अपने हाथों से। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ अपने हाथों से इसका FRP अनलॉक कैसे होगा तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका FRP अनलॉक करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें ऊपर की तरफ जो है इसे सरकाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक तरह का कुछ जो इंटरफेस आपको दिखेगा, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो हम मोबाइल के सेटिंग में पहुँच जाएंगे। यहाँ अबाउट फोन पर हमें क्लिक करना है एक बार, और उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर पर हमें 7 बार जो है टैप करना है, क्लिक करना है 7 बार इस बिल नंबर पर। उसके बाद हमें बैक जाना है वापस। बैक जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं के एडवांस सेटिंग, यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब हम एक बार क्लिक कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पे नीचे थोड़ा ऊपर की ओर जो हम स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डेवलपर ऑप्शन, इस ऑप्शन पे हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि OEM अनलॉकिंग, इसे इनेबल कर देना है, इस पर चेक लगा देना है। उसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि बैकअप एंड रीसेट, यहाँ पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में देखते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर में हमें जो यहाँ पे ऊपर वाले पे भी चेक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ओके कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ओके कर देना है, हमारा फोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोन है ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका है और रिस्टार्ट होकर के फिर से ही हमारा ये मोबाइल ऑन होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल वापस जो ऑन हो गया है और उसी मेथड पर है, फिर से यहां पे FRP मेथड पर है। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि अब यहां पे ये FRP मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। चलिए हम इसका यहां पे सेटअप करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से जो FRP लॉक नहीं मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ से स्किप करके इस मोबाइल का हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।